हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे इस व्लॉग में एक अनोखी चीज़। दोस्तों, हमारे गांव के एक दूसरे गांव, मतलब बेहद ही पास वो दूसरा गांव है, वहां के एक आम इंसान ने, एक जो कि इंजीनियर भी नहीं है, उन्होंने कार को मॉडिफाइड करके बना दिया है सड़क पर चलने वाला हेलीकॉप्टर। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि वो कौन से आम इंसान है और उन्होंने कैसे, किस लागत में बनाया उस कार को, हेलीकॉप्टर का रूप कैसे दिया। तो चलिए फिर मिलते हैं उस जगह पे, जाते हैं उस गांव में, मिलते हैं उस हेलीकॉप्टर के ऑनर से, उन्होंने कैसे, क्या जुनून आया और कैसे बना दिया उस कार को हेलीकॉप्टर। तो चलिए फिर मिलते हैं वहीं पे और दिखाते हैं आपको भी वो हेलीकॉप्टर। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे कार को मॉडिफाइड करके हेलीकॉप्टर का आकार दिया गया, और वो है ये जगह। और ये आप देख सकते हैं, ये हेलीकॉप्टर रोड पे चलने वाला हेलीकॉप्टर है, ना कि रोड पे उड़ने वाला। तो आइए चलते हैं और इनके ऑनर से हम करते हैं बात। तो फ्रेंड्स, ये है इस कार हेलीकॉप्टर जो कि मॉडिफाइड किया गया, उसके ऑनर। तो सर, आपका नाम? लालचंद। इनका नाम लालचंद है और ये कोई इंजीनियर नहीं है, एक आम इंसान है, हम और आप जैसे। और इन्होंने अपने दिमाग से, अपनी कला से इस कार को मॉडिफाइड कर दिया। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने इसे कैसे किया, मतलब आपके दिमाग में कुछ तो आया होगा कि मतलब हमें यह हेलीकॉप्टर बनाना चाहिए। ऐसा है मैडम जी, मैं यूट्यूब पर देखा था इसको, तो फिर हमने भी सोचा कि हम भी हेलीकॉप्टर बनाना। अच्छा, तो मतलब आपने सोचा और बना लिया? नहीं, हमने सोचा भी और बहुत विचार किया, हमारे मिस्त्री साहब है, इन्हीं के सहयोग से बना है। मतलब ये सारे लोग के सहयोग से बनाया गया है, इन लोग मिलकर इसको बनाया। तो इसमें क्या लागत आई है, कैसे आपने क्या किया है? अब देखिए, पूरी गाड़ी वाड़ी लेकर 3.5 लाख रुपया खर्च हुआ। अच्छा, 3.5 लाख में बन गया आपका तैयार? अच्छा, तो गाड़ी आपने कैसे खरीदा था, मतलब नई थी? सेकंड हैंड। अच्छा, तो आप थोड़ा सा इसे चला करके हमें दिखा सकते हैं? अभी तो इसमें बैटरी नहीं लगाया नहीं है। अभी बैटरी नहीं लगाया है, तो कब तक लगेगा? बैटरी तो सर लगाए नहीं अभी, चीज़ इसको चला नहीं सकते। अच्छा, तो कब ये चलने के योग्य हो जाएगा? तैयार है, लेकिन इस समय हम नहीं चला सकते। अच्छा, चलने को तैयार है। सो फ्रेंड्स, ये है वो कार जिसको मॉडिफाइड करके हेलीकॉप्टर बनाया गया, और इसमें थोड़ी सी बैटरी की इशू है जिसकी वजह से ये अभी चल नहीं सकती है, नहीं तो हम आपको चला करके दिखाते। और दोस्तों, एक गांव के आम इंसान ने इस कार को मॉडिफाइड करके बना दिया है हेलीकॉप्टर, जो कि बहुत ही सुंदर है और इसकी शादियों में बुकिंग भी चलती है। दोस्तों, इसके जो पंख बने हैं ना, बिल्कुल हेलीकॉप्टर के जैसे बने हैं, और ये जब चलता है तो घूमता भी है। और ये आप देख सकते हैं सामने से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, नज़ारा मीन्स हेलीकॉप्टर का नज़ारा, जो कि कार को मॉडिफाइड करके बनाया गया। और अंदर अगर आप देखो ना, तो बिल्कुल कार जैसे ही आपको नज़र आएगा। ये देखिए, सब कुछ सेम वही है, बस इसका जो बाहरी है ना, बाहर की चीज़ों को बना दिया गया है हेलीकॉप्टर। दोस्तों, देखते ही देखते यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो गई। ये देखिए कितने लोग यहाँ पे देखने के लिए आए हैं। ऐसे तो रोज़ यहाँ पे ये खड़ी रहती है, लेकिन कोई नहीं देखने को आता है, लेकिन आज आते जाते जितने रोड पे लोग हैं ना, सारे लोग इसे देख रहे हैं। तो सर, किस लिए ये हेलीकॉप्टर बनाया गया है? ऐसा है मैडम जी, ये हेलीकॉप्टर दूल्हे के लिए हम बनाए हैं, शादी विवाह के यूज के लिए बनाए हैं। अच्छा, तो उसमें बुकिंग चलती है? हाँ, बुकिंग हो रहा है, बुकिंग पे गई हुई सट्टा भी करके। अच्छा, तो जो आपके हेलीकॉप्टर पे नंबर है, इससे आपकी बुकिंग होती है? सो फ्रेंड्स, ये जो हेलीकॉप्टर पे नंबर दिया गया है, इससे बुकिंग चलती है। ये शादी विवाह में दूल्हे की गाड़ियों की बुकिंग रहती है। और ये है मोबाइल नंबर, और ये है गंगा देवरिया के गाँव का एक हेलीकॉप्टर है ये। तो सर, कैसे बुकिंग चलती है, क्या रेट रहता है? 60-65 किलोमीटर के हाफ डाउन में 14-15 हज़ार का बुकिंग। 14-15 हज़ार? अच्छा अच्छा, तो दोस्तों 60-65 किलोमीटर की रेंज में 14-15 हज़ार तक रुपए इसमें बुकिंग की होती है। और अगर आपको भी पसंद है और आप भी कुछ अलग करना चाहें अपनी शादियों में, तो आप ये एक बार ट्राई कर सकते हैं। और नंबर आपको दिया गया, इस नंबर पर कॉल करिए, बात करिए। और सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक अनोखा चीज़ अपने गांव में बना दिया है। तो बनवाना भी हो? हाँ,
और कोई अगर बनवाना चाहे ये है मिस्त्री साहब, तो वो ऐसे ही कार को हेलीकॉप्टर में मॉडिफाइड करवा के बनवा सकता है। बनवाने के लिए क्या करना होगा, कार देना होता है या फिर आप सारा व्यवस्था खुद करते हैं? अपना उसे कम हम कार देते हैं, उसे बनवाने का पैसा देते हैं। बनवाने का? अच्छा, बनवाने का चार्ज क्या होता है? हम लोग को 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपये? तो फ्रेंड्स, बनवाने का जो चार्ज होता है वो 2 लाख रुपए होता है अगर आप अपनी सेकंड हैंड गाड़ी देते हैं, और अगर गाड़ी नहीं देते हैं तो गाड़ी का जो रेट आएगा उसी हिसाब से होता है ना? उसी हिसाब से होता है। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, आप लोगों ने टाइम दिया हमें। सो फ्रेंड्स, देखा आपने एक गाँव के आम इंसान ने कैसे कितनी आसानी से यूट्यूब से ईजिली देख करके बना लिया, मतलब हम लोग देखें। वैसे एक चीज़ मानना है कि यूट्यूब तो है ही बहुत कमाल की चीज़ है ना। यूट्यूब से कोई भी चीज़ आपको सीखना हो ईजिली सीख सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए वहाँ से आपको एक ये पता चल जाता है कि किस चीज़ की लागत कितनी आने वाली, किसी से भी कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हो कोई भी चीज़। जैसे कि अभी जो वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, और आप इसके थ्रू अगर आपको बुकिंग करवानी है, आपके घर में किसी की शादी है, तो आप भी इस रोड पे चलने वाली हेलीकॉप्टर की बुकिंग करवा सकते हैं। बाकी प्राइस वगैरह तो आपको बता ही दिया है। और अगर आपको बिजनेस के पर्पज़ से बनवानी है हेलीकॉप्टर कार को मॉडिफाइड करके, वो भी मिस्त्री जी ने बता ही दिया है कि कैसे क्या करना होगा। तो आपको कोई भी और समस्या हो या कुछ भी जानना हो तो आप उस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए, कॉल करिए, और अपने जो भी सवाल है उसका जवाब इजीली आप उनसे ले सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।